सम्मान समारोह से निकले हुए एक छात्र की कहानी भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि इन्होंने क्या अचीव किया है और कैसे जो है इनको ये अवार्ड मिला। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सम्मान समारोह के बारे में आपको पता कहाँ से चला? हमको जो है कॉल आया था दैनिक भास्कर के एक ऑफिस में काम करने वाले थे, उसी के जरिए हमको पता किया, कॉल के जरिए हमको बोला गया है। उसके वजह से हमने अपने जिसके साथ जिस शिक्षक के पास कोचिंग करते थे उनको कांटेक्ट किया, फिर वो हमको उत्साहित किया और उसके साथ हमने यहाँ तक मंजिल सफ़र किया। ये जो सर्टिफिकेट है इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये सर्टिफिकेट इसलिए भी अहम है कि इस बच्चे ने जो भी किया है अपने दम पे किया है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है बिहार बोर्ड से अच्छा मार्क्स लाना, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि बिहार बोर्ड अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं देता, कितना मुश्किल था ये काम? ये काम जो है बहुत मुश्किल होता है, क्या कि हम सबको जो है बहुत सुविधा बहुत कम मिलता है, हम सब गांव में बहुत कम सुविधा में पढ़ पाते हैं और हम लोग को वैसा शिक्षक नहीं मिल पाता है, हम लोग में वो क्षमता भी होता है, हम लोग वो क्षमता को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हमने इस साल IIT मेंस में 88.4% अचीव किया है और तब तो IIT का भी जो है फासला बहुत दूर नहीं है आपके लिए। नहीं, हमने गांव में ही रह के पढ़ाई की थी। मतलब गांव में ही रह के आपने पढ़ाई किया? ये कैसे संभव है भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो कोटा, चलो पटना, चलो दिल्ली, और इस परिवेश में एक बच्चा ये कहता है कि मैंने गांव में रह के गांव में पढ़ाई करके IIT के एग्ज़ाम में इतने परसेंटाइल जो है अर्जित किए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपने बहुत बड़ा अचीव किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है आपको मिला है। ये मुझे बताइए कि IIT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप गाँव के सीधे साधे बच्चे नज़र आ रहे हो, लेकिन जो आपने किया है वो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े महानगरों में भी बच्चों को वो करने में जो है पसीने छूट जाते होंगे, तो क्या है इसके पीछे की थ्योरी, ये जो रहस्य है इसका ज़रा रहस्योघाटन जो है हमारे दर्शकों के बीच आप करिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ एक गरीब परिवार, मेरे पिता एक मजदूर हैं और हमने अपने गांव में जो बड़े बड़े जो पढ़ रहे थे IIT मेंस के, और हम पहले से पढ़ने में तेज थे तो उसके करीब हम गए और हमने अपना सपना उसके सामने बताया और बोला हमने IIT मेंस का एग्ज़ाम हमको भी देना है, और जानते ही थे कि IIT मेंस बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, और एक बार दिए और पहली बार जनवरी में हमने 88.4% अचीव किया। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये जो चेहरा है ना, ये गांव के प्रयोगशाला का निकला हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ है, और इसने IIT के मेंस में जो है बहुत ही अच्छा परसेंटाइल अर्जित किया। इसके पीछे की कहानी ये है कि इस बच्चे ने कहीं विशेष कोचिंग कहीं से नहीं ली, इसको अपने प्रतिभा पे इतना भरोसा था कि इसने जो है बेसिक चीज़ों को, अपने सपनों को अपने सीनियर्स के सामने रखा और उनसे टिप्स लिया कि हमें IIT क्वालिफाई करना है, और IIT क्वालिफाई के लिए जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा कर दिखाया। ऑलटाइम पब्लिक इंडिया की टीम भी इसको शुभकामनाएँ देती है, अगली बार जब हम इनसे बात कर रहे होंगे तो किसी बड़े इंजीनियर साहब से बात कर रहे होंगे। लेकिन इस पहेली में 3-4 चीज़ों की जिक्र आना बहुत ही ज़रूरी है। एक, गाँव के मजदूर पिता का गरीब सा लड़का, पहली बात। दूसरी, संसाधनों का घोर अभाव। तीसरी बात, हमेशा आर्थिक मजबूरियां कि इसके तलाश। कभी कभी तो आपको लगता होगा कि यार कॉपी खरीदने के भी आपको पैसे नहीं होते, पैसे नहीं पुर पाते हैं कॉपी खरीदने के भी, तब पर भी हम सब में इतना जुनून होता है कि उस जुनून में हम वो सब नहीं देख पाते हैं और गरीबी की हालत में भी इतना बहुत बड़ा कर पाते हैं। और इनकी स्टोरी यार दिल को झकझोरने वाली है, क्योंकि और हम एक बात ये भी बताना चाहेंगे, हमने जो गांव में रहकर इंजीनियर अजमुल है जो कि वो इंजीनियर रह चुके हैं, उनको हमने अपनी गरीबी बीती हुई बात बताई और वो हमको पूरा फ्री में पढ़ाए हैं। कहते हैं कि गरीब जन्म लेना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये एक बड़ा अभिशाप है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। इस गरीबी को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बड़ी लाइन कही थी,
कि एडुकेशन इज अ लिबर्टिंग फोर्स विच कट्स द बैरियर ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद को खत्म करती है, पॉवर्टी लाइन को अपग्रेड करने का काम करती है, और ये जो बच्चा है, इस बच्चे की सोच को ऑल टाइम पब्लिक इंडिया सलाम करता है कि जिस तरीके से इसने अपने प्रतिभा के दम पे बहुत कुछ अचीव किया, आगे भी इतनी ही तेज़ी से, इतनी ही जोश और जुनून के साथ ही आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएँ। लेकिन अभी जो आपको अवार्ड मिला ये, तो अब आर्थिक मदद जो है कहीं से मिलती है कि नहीं वहाँ पे? आर्थिक मदद नहीं मिलती, बस लोगों का, बस जो बड़े बड़े लोग जो हैं वो हमको हरदम आगे बढ़ाने में रहते हैं, और आर्थिक मदद तो नहीं मिल पाती है। तो अगर हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर में कोई, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बीपुर प्रखंड मिल्की गांव हुआ। बीपुर प्रखंड है और गांव मिल्की। यार गांव का नाम तो इतना खूबसूरत है, मिल्की। तो अगर हमारे व्यूअर्स में, सब्सक्राइबर में कोई बीपुर प्रखंड मिल्की गांव के आसपास का होगा जो इनको देख रहा है, हमारे चैनल को देखता होगा, उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि इस बच्चे को आर्थिक मदद जो है जितना हो सके करें, बाकी लोग भी आगे बढ़ें, क्योंकि ये बच्चा जो है जितना इसने अचीव किया है गांव में रहकर, कसम से बता रहा हूँ कि ये अद्भुत है। मतलब सुने तो कानों पे भरोसा नहीं हो सकता, देखे तो आँखों पे भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन होता तो वही है जो जिसे जिस रूप में होना है। इसी की कहानी जो है प्रेरित करने वाली है, इसकी कहानी जो है आगे बढ़ाने वाली है। अगले दिन किसी और कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।